और इन्हीं से शुरुआत हो, 24 की गिनती भी यही इसी चुनाव से शुरू हो। जो निषाद समाज के लोग कहते हैं, हम तो जानते हैं, इसी मैदान में बगल में आए थे एक बार, निषाद समाज के नेता कहते थे मठ हमारा है, यही तो कहते थे। बताओ याद है कि नहीं याद रहे? ये निषाद राज की स्थान है। अरे हम उतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम इतनी बड़ी लड़ाई तो लड़ सकते हैं कि निषाद समाज को हम महापौर को बना सकते हैं। इसलिए शुरुआत करो। उस समय भी समाजवादियों ने जिताया था, याद है कि नहीं याद है? और जो लोग हम लोग पर आरोप लगाते हैं, जरा इतिहास पलट करके देखो, अगर किसी ने अपमानित किया है पिछड़ों को, दलितों को, अगलों को, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब हम कहते हैं कि जाति जनगणना हो, तो इन्हें सांप सूंघ जाता है कि जाति जनगणना क्या चीज है। हम कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, अगर ये आरोप हम लोग पे लगाते हैं कि हम लोगों ने सबसे ज्यादा मलाई ले ली है, तो हम ये कहते हैं कि मलाई हम नहीं लेना चाहते हैं, सबकी गिनती हो जाए, कौन कितना है उस हिसाब से मलाई पड़ जाए। जो ज्यादा हो, आबादी में निषाद समाज ज्यादा है। बोलते थे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। अरे गोरखपुर वालों बताओ, आपके लिए लिंक एक्सप्रेस भी बना था, छुड़ा होता तो हमारे हवाई जहाज से ही हम सड़क से आपके बीच में आ जाते, इतने ही समय। और जो लिंक एक्सप्रेस से जुड़ रहा है, बताओ कब जुड़ना था? आज भी नहीं जोड़ पाए। और आप गणित, आप लोग हिसाब किताब लगाना, हमारे मुख्यमंत्री को 46 से 56 जानते हैं, लेकिन हम आपको बता के जा रहे हैं ये 90 किलोमीटर की सड़क लगभग 5000 करोड़ रुपए पड़ रही है। बताओ 90 किलोमीटर सड़क 5000 करोड़ में, बताओ कहां का हिसाब किताब लगा रहे हैं लोग? अगर ये बात गलत हो तो पत्रकार साथियों छापना, आप लोग पत्रकार साथियों छापिए आप, ये बताओ 90 किलोमीटर की सड़क 5000 करोड़ में, ये कौन सा हिसाब किताब चल रहा है? अरे कम से कम नहीं, एक पे एक फ्री चल रहा है। अगर मॉल में जाओ आप, तो कई बार ऐसा मिलता है कि एक सामान लो दो फ्री मिल जाएंगे। एक ऐसी सरकार जिसने अपने पहले 5-6 साल के कार्यकाल में और इस कार्यकाल में जो शुरुआत हो गई है, जो नाली न बना पाई हो, नाला न बना पाई हो, पानी का निकास का इंतजाम न कर पाई हो, वो पार्टी कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो उसके पक्ष में मतदान होगा? और गोरखपुर के लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये मुख्यमंत्री जी वही है जिन्होंने कहा था कि हम गोरखपुर में मेट्रो चलाएंगे। बताओ गोरखपुर वालों, मेट्रो स्टेशन कहाँ पर है ये हमें बताओ। नालियां साफ हुई या नहीं हुई? अगर नालियां नहीं साफ हुई, कूड़ा नहीं हटा, तो आपसे घरों का टैक्स ले रहे कि नहीं ले रहे? और अगर नाली को सीवर में जोड़ोगे, उसके लिए भी रुपया देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है? और इस शहर में तो ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं है, हमने तो कई तस्वीरें देखी। हम अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद देंगे, कभी कभी हमारे पत्रकार साथी हिम्मत करके अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। यहाँ पर सड़कों पे देखा है ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सांड अपने आप ट्रैफिक संभाले हुए हैं। बताओ सड़कों पर सांड घूमने के नहीं घूमने, ये किसकी जिम्मेदारी है? सांड हटाना, कूड़ा हटाना, नाली साफ रखना, उनकी बातें नहीं कर रहे हैं।